ए छोटू दो कटिंग। हाँ तो भैया, छोटे छोटे हाथों से बड़ा नमस्कार। तो हमें छोटू न्यूज वाला, तो हम पढ़ेंगे न्यूज और आप सुनेंगे न्यूज। गमछा नया मिला है आज हमको। हाँ तो भैया, आज जो हम बात कर रहे हैं ना, तो भैया शिवल्ली के बारे में, रश्मिका मंदाना मतलब। हाँ तो रश्मिका मंदाना को भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से किया जा सकता है बैन। काहे कि हाल ही में अभी तहलका मचाने वाली कन्नड़ा फिल्म कांतारा के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने फिल्म देखी नहीं। सही बात है, जबकि रश्मिका मंदाना जो हैं वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ही डेब्यू की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम है क्रिक पार्टी। और भैया इनको लॉन्च किया था रक्षित शेट्टी ने, जिनसे इन्होंने बाद में एंगेजमेंट भी कर ली, लेकिन बाद में टूट गई। भैया क्यों टूट गए उनके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन जब इनसे एक इंटरव्यू में इनकी पहली फिल्म के बारे में पूछा गया तो ना इन्होंने रक्षित शेट्टी का भैया जिक्र किया और ना कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र किया और ना अपनी पहली फिल्म का जिक्र किया, और बिना कुछ कहे ऐसे अजीब सा इशारा कर दिए, जिसके बाद भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लोग बुरी तरह भड़के और ऑडियंस भी भड़की और भैया खूब खरी खोटी जम के सुनाई। घमंडी हैं और अपने बुरे वक्त का भूल गए। तो गुरु बात करें तो इनकी पहली फिल्म जो थी ना क्रिक पार्टी, उसको डायरेक्ट किया था कांतारा वाले भाई ऋषभ शेट्टी ने ही। तो भैया ऋषभ शेट्टी से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में तो भैया आगे चल के अब रश्मिका मंदाना के साथ में कोनो फिल्म करेंगे, तो उन्होंने बिना रश्मिका मंदाना का नाम लिए वही रश्मिका मंदाना वाला जो अजीब सा इशारा था ना वही रिपीट करके साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम नहीं करेंगे। जिसके बाद सारी ऑडियंस जो है ना वो ऋषभ शेट्टी की तरफ हो गई और जो रश्मिका मंदाना उनको जम के ट्रोल किया जा रहा और जम के खरी खोटी सुनाई जा रही है। तो भैया जो अपनी शिवल्ली हैं उनकी आगे गाड़ी चलनी है कि नहीं चलनी है इसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन एक बात कहेंगे भैया, बड़का बड़का लोग अपना बुरा वक्त ना ही भूलें, काहे कि लोग जरूर याद रखते हैं आपका वक्त। तो छोटे छोटे हाथों से बड़ा नमस्कार, धन्यवाद। ए छोटू दो कटिंग।